কুইপৰ অপহৃত বিষয়া ৰামকুমাৰক মুকলি আলফা স্বাধীনৰ আজি পুৱা প্ৰায় 7:30 ম্যানমাৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লংৱাট আলফাই মুকলি কৰি দিয়ে ৰামকুমাৰক সীমান্ত পাৰ হোৱাৰ মুহূৰ্তত আসাম ৰাইফলছে জিম্মাত লয় ৰামকুমাৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত আসাম ৰাইফলছে অসম আৰক্ষী গতাই দিয়ে ৰামকুমাৰক বৰ্তমান নাগালেণ্ড সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰামকুমাৰ নিউজ লাইভৰ চিফ ৰিপৰ্টাৰ অনমিত্ৰ গগৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' সাংবাদিক নৱকৃষ্ণ পেগুৱে লগ পাই ৰামকুমাৰক আৰু অপহৰণ কালৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আগবঢ়ালে ৰামকুমাৰে 21 ডিচেম্বৰত আলফাই অপহৰণ কৰি নিছিল ৰামকুমাৰক 3 মাহ 16 দিনৰ পাছত আলফাৰ জিম্মাৰ পৰা উভতি আহিছে বিহাৰৰ ৰামকুমাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আলফাই অপহৰণ কৰা ৰামকুমাৰ ইতিমধ্যে সুশৰীৰে উভতি আহিছে ৰামকুমাৰক মুক্তি দিছে আলফা স্বাধীনে 21 ডিচেম্বৰ অপহৰণ হৈছিলে কুইপৰ বিষয়া প্ৰণৱ গগৈৰ লগত ৰামকুমাৰকো আলফাই অপহৰণ কৰিছিলে আৰু যোৱা 3 মাহৰ অধিক কাল অধিক উৎকণ্ঠা আৰু চৰ্চা হৈছিলে তীব্ৰ আৰু সকলো উৎকণ্ঠা চৰ্চাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত সুশৰীৰে উভতি আহিছে ৰামকুমাৰ আৰু ৰামকুমাৰ আমাৰ লগত আছে দেখিবলৈ পাইছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ যি ভাৰত ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা লংগুৱাত তেওঁ অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা আহি ইয়াত সুশৰীৰে উভতি আহিছে আমাৰ লগত আছে প্ৰথমে তেওঁ সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ ঠিকে আছে নে আপ ঠিকে হ্যাঁ মই বহুত আছা হ্যাঁ ইতনা দিন বাহাৰ কেছা আপকো আভি আপ আয়ে হে ফিৰ अभी मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिला है और मैं बहुत खुश हूँ राम कुमार जी आप अभी बहुत खुशी हुआ है जी मुझे बहुत खुशी मिला है आप कैसे इधर पहुँचा के मैं सर इधर जंगल जंगल आया और मुझे जंगल में दूर में छोड़ दिया था और मुझे रास्ता दिखा दिया कैसे करके ऊपर एक मेन रोड है वहाँ पे चले जाइए तो मैं यहाँ तक आ गया आपने 3 मंथ्स एंड 15 डेज उधर में रखा उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए उसका सर जब मुझे 21 दिसंबर को मेरे ऑफिस से किडनैप किया था तो मुझे जंगल जंगल रोज दिन लगभग 20 to 25 किलोमीटर चलने के बाद रात में जंगल में ही सोता है जंगल में ही रहता है और इस तरह से हम लोग का अभी तक टाइम पास हुआ है और उसका बिहेवियर कैसा था उसका बिहेवियर सर अच्छा है मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है ऐसा कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है হয় নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সুনীলে ইতিমধ্যে কৈছে যে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ এটা বিগ ব্ৰেকিং যে ৰামকুমাৰক কুইপৰ বিষয়ে ৰামকুমাৰক ইতিমধ্যে আলফাই এৰি দিছে আৰু ৰামকুমাৰে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী এক অঞ্চলত এৰি দিছে আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমান ৰামকুমাৰ আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সুনীলো আছে মই সুনীলক মাইক্ৰফোনটো দিছোঁ তেওঁ ৰামকুমাৰক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব আপোনাৰ হাল ঠিক হে হ্যাঁ মেৰা হাল ঠিক হে दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे आज आप फिर आ गए हैं मैं सर सबसे पहले मैं अपना माताजी पिताजी को प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे आज उनके लाइफ में दोबारा जिंदगी मिला है उसके बाद मैं तमाम साथियों और बिहार वासियों और मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे लिए सतत प्रयास करके मिस्टर प्रेस बरुआ जी से रिक्वेस्ट करके हमें रिहाई दिलाया है उनको मैं धन्यवाद करता हूं और मैं मिस्टर प्रेस बरुआ सर को भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे से बातचीत करके वो प्रॉमिस किए थे कि मैं आपको सही सलामत घर छोड़ दूंगा मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए आप चिंता नहीं करें इसलिए मैं मिस्टर प्रेस बरुआ सर को भी धन्यवाद करता हूँ आप और प्रणब गोगोई दोनों एक साथ कितने हुआ था फिर उसके बाद क्या आप दोनों एक साथ नहीं रहे थे सर हम लोग 3 मार्च तक एक साथ थे 3 मार्च को शाम को उस साथी में से एक साथी के पास कोई खबर आया कि 4 तारीख को आप लोग को अलग अलग जाना होगा इसलिए 4 मार्च को हमको वहाँ से प्रणब कुमार जी से अलग कर दिए वहाँ से 4 दिन पैदल चलने के बाद फिर एक जंगल पहुँच के वहाँ पर हमने अभी तक बिताया और बीच बीच में 3 दिन 2 दिन जंगल में रखने के बाद कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे मुझे चलना पड़ता है मूव करना पड़ता है एक जगह पे 2 दिन 3 दिन ऐसे करके रखा है जंगल में जब प्रणब गगन से अलग कर दिया गया तब आपने क्या सोचा था तब मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं जब दोनों एक साथ था तो सुख दुख में आपस में बातचीत करके किसी तरह टाइम निकाल रहा था जब अलग कर दिया तो मुझे रोना आ गया बहुत दुख हुआ लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं
उस अलग होके चला गया। आपने पूछा था क्यों अलग किया? मैंने पूछा था, उन लोग के बताया कि आप दोनों को हम लोग रिलीज करने का प्रोग्राम बनाए हैं, इसलिए हम अलग अलग करके रिलीज करेंगे। तब आपको बिलीव करना था? हाँ, मुझे विश्वास करना पड़ा। फिर इतना दिन जब हो गया, चार मास तक, आज चार मास का करीब एक महीना, तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक महीना हो गया, मुझे अभी तक रिलीज नहीं दिया है। मैं सर बीच बीच में दो दिन एक दिन में उन लोग से पूछता है, उन लोग को बोलता है कि आप लोग ने बोला था कि रिलीज करने के लिए अलग कर रहे हैं, आप लोग ने क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया एक दो दिन रुकिए, ऐसे ही करके इतना दिन टाइम लग गया। मुझे पूछने पर ऐसे बोला जाता है कि एक दो दिन रुकिए, नहीं तो कल परसों में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे टाइम लग गया। बहुत खुशिया उभति आई निश्चित भावे कब पारि आज आसलते एक नतुन जीवन पासे कब लगे और मैं पुनः ऊर जाचार एक नया जीवन मिला। जी सर, मुझे एक नई जिंदगी मिली है। सब साथियों और जो भी हमको सपोर्ट किए हैं, गवर्नमेंट हो या साथियों दोस्त बिहारवासियों, सबने मिलकर मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मेरा साथ में जो प्रणब कुमार गोगोई जी थे, क्या उनको भी छोड़ दिया है क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं पता मैं, निजा जाना चाहता हूँ जो गम ना पाए कि मैं कब विचार प्रणब गोगोई को भी रिलीज कर दिया दो दिन पहले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हम दोनों एक साथ आए थे, बहुत कष्ट करके रहे हैं, बहुत सोच सोच के रहे हैं। आपका फैमिली में कौन कौन है? मेरा फैमिली में सर मम्मी है, पापा है, मेरा एक भाई है, भाभी है, वाइफ है, दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। कितना साल हो गया असम में काम करने का? मेरे सर असम में लगभग 4 ईयर प्लस हो गया। मैं जनवरी 2016 में असम में किपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में आया था, बागजान साइट पे। जी सर, पुनः जानसो राम कुमार सुशरी उभति आई आलफाए मुक्ति दी है 21 ডিসেম্বর অপহরণ হয়েছিল ইয়ার দুদিন পূর্বে প্রণব গগৈ মুক্তি দিয়া হয়েছিল আজি রাম কুমারক মুক্তি দিয়া হয়েছে।